Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Dr. Junaid Asif and I am the member of Wisdom of Medical Education. Today we discuss about the clinical case. First we read the case, then we diagnose that what disease occurred to the patient. Now we study the case. A 60-year-old woman present with chest pain. She reports the chest pain started today and described it as sharp and deep. That is radiation to trapezius. When she sat up, the pain improves, the pain worsened by inhalation. She has no significant past medical history, but endorses a viral respiratory infection a few days ago. On physical exam, she has trapezic friction rubs. She is in no acute distress. She has a low grade fever and electrocardiogram shows widespread ST segments elevation and PR depression in the pericardial lead. शार्प है तो इसमें शार्प एंड ब्रीफ है अगर इसमें शार्प है तो इसका मतलब जब हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया जब उसके चेस्ट में पेन है तो हमारे पास दो थे कि इसके पास या तो एंजिया हो सकता है या फिर इसको एक्यूट पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। तो लेकिन जब हमें ये चीज बताई गई कि इसमें शार्प पेन है तो इससे हमें इस चीज का पता चलता है कि जो पेशेंट है उसको एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है। एंड नेक्स्ट ये बताया गया दैट द रेडिएशन थ्रू ट्रैपेज़ियस। तो जब हमें पेन होती है तो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में जो पेन होती है वो हम स्टर्नम के नीचे होती है और उसकी जो मूवमेंट होती है वो ट्रैपेज़ियस मसल की तरफ होता है। जैसा कि इस केस में मेरे पास बताया गया कि रेडिएटिंग टू ट्रैपेज़ियस एंड व्हेन शी सेट अप द पेन इम्प्रूव्स। तो जब पेशेंट एक्यूट पेरिकार्डाइटिस होता है तो जब वो बैठता है तो उसके जो डायफ्राम होता है उस पर प्रेशर कम हो जाता है जिसकी वजह से जो डायफ्राम पर प्रेशर कम हो जाता है जिसकी वजह से पेन कम हो जाता है एंड पेन वर्सन बाय इनहेलेशन। तो इनहेलेशन के वक्त पेन इस वजह से कम हो जाता है जब हम पेन वर्सन बाय इनहेलेशन। इनहेलेशन में केस इस वजह से ज्यादा हो जाता है कि जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी में जो चेस्ट में प्रेशर कम हो जाता है और ब्लड वो ज्यादा जाता है राइट वेंट्रिकल में ज्यादा जाता है जिसकी वजह से लेकिन इसमें इसको पेरिकार्डियस है जिसकी वजह से उसको डायलेट होने में प्रॉब्लम होती है हार्ट को इसकी वजह से जो पेन है वो ज्यादा हो जाता है। She has no significant past medical history. उसके पास ज्यादा ब्रीफ तो नहीं है मेडिकल हिस्ट्री बट ही हैज वायरल रेस्पिरेटरी। तो इट्स मीन अगर इसको एक्यूट हुआ है पेरिकार्डियस तो किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। तो फिजिकल एग्जाम किया तो उसमें फ्रिक्शन रब्स की समझ नहीं दी है और ये कब हमारे साथ देती है ये हमें सुनाई देती है जब हमारे वेंट्रिकल की डाइजेक्शन होती है या रिलैक्सेशन करता है तो इसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हमें ये चीज सुनाई देती है साउंड्स। एंड शी हैज लो ग्रेड फीवर सो फीवर भी हल्का सा एंड शो एसटी सेगमेंट्स एलिवेशन एंड पीआर डिप्रेशन। तो जो हम इसी भी करते हैं तो हमें ये चीजें दो वाजे तौर पर दिखाई देती है और ये दोनों चीजें जो है ना वो वाजे तौर पर जो एक्यूट पेरिकार्डियस में शो होती हैं। अगर ये चीजें शो ना होती तो फिर हमारे को चांस था कि उसमें जो है ना एंजिया भी हो सकता है। तो इसका डायग्नोस जो है एंजिया हो सकता है अगर ऐसी सेकेंडरी एलिवेशन से होती और पेट शार्प की बजाय हैवी पेन होता तो हो सकता है एंजिया हो सकता है लेकिन इससे हमें जो स्क्रीन से सिम्टम बताए गए तो इसके मुताबिक उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्यूट के चांस है एक्यूट पेरिकार्डियस के पेशेंट को डायग्नोस में। चलिए इन्होंने कहा कि ये एक्यूट पेरिकार्डियस है तो इन्होंने एक्सप्लेन भी किया उसको। तो आप सब लोग मुत्तफिक हैं इस पे मुत्तफिक करते हैं यस सर। तो आप में से कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहे इसकी रीजन बताना चाहे क्यों एक्यूट पेरिकार्डियस जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो उन्होंने बताया कि शार्प पेन है क्योंकि अगर एंजाइना हो तो इसमें सीवियर पेन होता तो हम इसे भी डायग्नोज कर चुके हैं एंजाइना में सीवियर पेन शार्प पेन एंजाइना में हैवी पेन होता टाइप 2 पेन तो इसमें शार्प पेन है इस वजह से भी हम कह सकते हैं। और जो एक और बात पेन इंप्रूव हुआ दूसरों में पेन कम होता है लेकिन इसमें जब डायफ्राम की लक्ष होता है पेन भी होता है हाई हो जाता है इसे भी हमने कर लिया। और इसके बाद उन्होंने एक और बताया एसटी एलिवेशन ये मेन तो सभी में लेकिन एसटी एलिवेशन ये भी ठीक है बात करें ऐसे सिंगल लिखने का पीआर डिप्रेशन है एनीवन एल्स कोई और को चेक करना चाहिए आप सब आपको चेक करना चाहिए सर। ओके सर पीआर डिप्रेशन है इन द पेरिकार्डियल पेरिकार्डियल लीड भी है और दूसरी की जो पेन है वो इंप्रूव हुई है और इसमें और चेस्ट पेन साथ और ओल्डनेस एज का भी फैक्टर है और एसटी सेगमेंट है वो एलिवेट कर रहा है वाइड स्प्रेड कर रहा है इन इको में ईसीजी में इस वजह से सर। दैट्स इट सो आई वुड लाइक टू गिव अ प्रीव्यू इसके जो छोटा सा
देखिए केस ये है कि जब डॉक्टर साहब काम कर रहे थे एमरजेंसी में तो उनके पास एक पेशेंट आई जो कि 60 साल की एक ओल्ड वुमेन थी, तो उनको जो है ना चेस्ट पेन था। जैसे उनको चेस्ट पेन हुआ तो डॉक्टर साहब के माइंड में दो चीजें आई, या तो इनको एंजाइना हो सकता है या इनको पेरिकार्डाइटिस हो सकती है, मीन दैट हार्ट के प्रॉब्लम आपको दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, चेस्ट पेन है। तो वो कहते हैं कि जब उन्होंने उनसे इन्वेस्टिगेट किया तो वो कहते हैं कि पेन इनको आज स्टार्ट हुआ है, और डिस्क्राइब जो वो कहते हैं शार्प किस्म का पेन है, शार्प किस्म। अब पहला क्लू आपको यहाँ पे मिल रहा है कि ये एंजाइना नहीं है, ये एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है। क्यों? क्योंकि जब आपको एंजाइना में जो पेन होता है वो हैवी टाइट चोकिंग लाइक एन एलिफेंट इज सिटिंग ऑन योर चेस्ट, उस तरह का पेन होता है, बट इसमें आपका प्लूरेंट पेन होता है, प्लूरेंट पेन मीन शार्प पेन होता है आपको, दैट ब्रीथ दैट। और इसका एक और मेन सिम्टम भी है कि आपको जो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस पेन होता है ये शार्प होता है, और आपको रिट्रोस्टर्नम और आपको सब स्टर्नम मतलब स्टर्नम के पीछे और नीचे आपको ये पेन आता है, तो उसी का भी पेन होता है। और पेशेंट जब आप पूछते हैं कि क्या पेन आपका जो है ना ये आपको फील हो रहा है कि रेडिएट हो रहा है टुवर्ड्स द ट्रेपेजियस मसल्स पीछे की तरफ, तो पेशेंट कहते हैं मुझे लग रहा है कि इट्स जस्ट थोड़ा सा ट्रेपेजियस मसल की तरफ वो हो रहा है। इन्होंने मजीद उसको इन्वेस्टिगेट किया, फिजिकल एग्जामिनेशन किया, इन्होंने पेशेंट को कहा कि आप खड़े होकर बैठ जाए, तो उन्होंने उसको बिठाया और पूछा कि पेन की क्या कंडीशन है। उन्होंने कहा पेन इंप्रूव हो रहा है। क्यों इंप्रूव हो रहा है? क्योंकि जब उन्होंने उसको बिठाया तो जो डायाफ्राम है जो आपके एब्डोमिनल कंटेंट है वो नीचे गए, और जो आपका डायाफ्राम है वो भी नीचे गया। जब वो नीचे गया तो आपके जो पेरिकार्डियम में जो प्रेशर पड़ रहा था डायाफ्राम का वो नीचे हो गया, और पेरिकार्डियम में प्रेशर कम हो गया, तो आपका पेन थोड़ा सा आपको रिलीज मिला। उसके बाद काम करते हैं हाँ, ये पेन वर्सन्स WORSENS यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, वर्सन्स बाय इनहेलेशन, क्योंकि जब आप इनहेल करते हैं आपका इंट्राथ्रेसिक प्रेशर डिक्रीज होता है, जब इंट्राथ्रेसिक प्रेशर डिक्रीज होता है तो आपके हार्ट में फिलिंग राइट वेंट्रिकल की वेनस रिटर्न बढ़ जाता है, जब वेनस रिटर्न बढ़ता है तो हार्ट में क्या करना है कॉन्ट्रैक्ट, जब स्ट्रेचिंग होती है तो पेरिकार्डियम को मजीद टच करता है, तो इस तरह आपकी जो वो इनहेलेशन से आपकी जो पेन है वो वर्सन होता है। अब she has no significant past medical history. अब जब आपने उनसे पूछा कि आपकी कोई हिस्ट्री है, बिकॉज आप जानना चाह रहे हैं कि what is the cause of this? Cause की तरफ जा रहे हैं, तरफ जा रहे हैं, but indoors a viral, like उसको एक viral spread infection था, तो आपके माइंड में फौरन आ जाना चाहिए कि viral का infection होता ही है, ठीक है, कि viral का infection जो है ना वो कॉज बनता है आपके acute pericarditis की। उसके बाद वो कहता है कि on physical examination मजीद क्या मिला, she has triphasic friction कि उसको ट्राइफेसिक फ्रिक्शन आते, क्योंकि जो पेरिकार्डियस है वो सही तरह से ग्लाइडिंग नहीं कर रहे, जब हार्ट आपके एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल जब रिलैक्स करते हैं तो प्रॉपर तरह ग्लाइडिंग नहीं हो रही, तो वहां पर आपको ट्राइफेसिक फ्रिक्शन है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उस वक्त भी फ्रिक्शन अप सुनाई देगी, जब वेंट्रिकल्स डैश नहीं करेगी उस वक्त भी आपको फ्रिक्शन अप सुनाई देगी, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उस वक्त भी आपको फ्रिक्शन अप सुनाई देगी, आपको सोच नहीं, तो इसलिए ट्राइफेसिक आपको ऑस्टियोस्कोप से बात करके सुनाई देगी। उसको कोई एक्यूट डिस्टर्स से लोग नहीं है, शी हैज अ लो ग्रेड फीवर, आपको वाइड स्प्रेड एसटी साइमेंट एलिवेशन मिली, और साथ में आपको क्या मिला, फ्री या डिप्रेशन मिला। देखिए आपको जो एंजाइना टाइप होता है जो आपको एमआई होता है उसमें एसटी साइमेंट की एलिवेशन मिलती है, साथ में मैंने आपको बताया था कि जब उसकी एसटी साइमेंट की एलिवेशन होती है तो आपका वो बड़ा सैड सैड सा फेस होता है, स्माइली फेस होता है, ठीक है, और कन्वेक्स टाइप वो आपको एसटी साइमेंट एलिवेशन मिलती है। लेकिन जो आपका ये होता है इसमें आपको एसटी साइमेंट एलिवेशन मिलती है लेकिन स्माइली सा फेस होता है, और साथ में क्या होता है कंकेव स्मेली सा फेस दिखा देता है, और साथ में आपको पीआर की डिप्रेशन। जब ये दो साइंस आपको मिल गया आपको श्योर हो गया कि पेशेंट को क्या है एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, फिर आप इसका ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि अभी हम डॉक्टर से बताएंगे कि आपने इसको डायग्नोस करने के बाद में इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। जी डॉक्टर साहब, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे एनएसएड देंगे, तो एनएसएड एज द पेशेंट जो उसकी 60 उम्र ज्यादा, तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ एनएसएड नहीं दे सकते, क्योंकि एनएसएड जो है वो म्यूकस की सिक्रीशन को रोकते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है ना स्टमक में अल्सर हो सकता है, तो इसके साथ में जो है प्रोटॉन इनहिबिटर्स जो है ना वो देने पड़ेंगे एनएसएड के साथ। दूसरे पर हम स्टीराइड दे सकते हैं, लेकिन स्टीराइड सिर्फ उन पेशेंट को दिए जाते हैं जिसमें ऑटोइम्यून रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले हो, और इस वजह से इस जो है ना पेशेंट को हम कोशिश करेंगे स्टीराइड को ना ही दिए दें। थर्ड पर अगर हमारे एनएसएड काम नहीं करते तो फिर हमें उसे कोई चीज नहीं देंगे, लेकिन ये तब भी देनी है क्योंकि साथ ही हमें जो है ना वो प्रोटॉन पंप इंफ्यूजन की जरूरत है, क्योंकि इनका भी सेम वही फंक्शन है जो एनएसएड है, ये भी म्यूकस की सिक्रीशन को स्टमक में रोकते हैं, तो लेकिन हमें जो यूज तब भी करेंगे जब हमें एनएसएड के हमें बेनिफिट नहीं हो रहा, पेशेंट ट्रीट नहीं हो रहा, तो इसके साथ साथ जो है ना हमें जो पता है क्योंकि उसे वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, इसके साथ हमें जो है ना एंटीवायरल ड्रग्स पेशेंट को देंगे, तो ये उसका ट्रीटमेंट है। ठीक है, इन्होंने बता दिया कि एनएसएड्स देंगे,
क्योंकि इन्फ्लेमेशन को हमें कम करना है, लेकिन एनएसएड हमें हाई डोज में देनी है। और साथ में आप देखें पेशेंट 60 एज ओल्ड है, फीमेल है, तो ज्यादा एज में हमने एनएसएड से थोड़ा प्रिवेंट करना होता है, बट स्टिल हमें देनी पड़ेगी हाई उसमें हाई डोज में। तो हम साथ में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देंगे ताकि अल्सर्स वगैरह आपको जीआई की ब्लीडिंग ना हो। अगर एनएसएड से ट्रीट नहीं हो तो स्टेरॉइड भी दे सकते हैं, बट कोशिश करें अवॉइड करें एनएसएड से उसको करेक्ट करें। और उसको दे सकते हैं अगर एनएसएड से फर्क नहीं पड़ा तो काम नहीं करेंगे। कॉल्साइन के भी सेम साइड इफेक्ट होते जो एनएसएड होते हैं साथ में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, और क्योंकि इंफेक्शन है वायरल तो एंटीवायरल। सो वेरी गुड डॉक्टर, थैंक यू।